वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा कि मैं गई थी मंगोलपुरी की जो मार्केट है कतरन मार्केट में, वहाँ फैब्रिक लेने गई थी। तो भाई वैसे जिसने नहीं देखा तो वो मेरा पिछला व्लॉग देख सकता है। तो मैं वहाँ मार्केट गई थी तो फैब्रिक लेके आई हूँ काफ़ी, और तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या फैब्रिक लेके आई हूँ और कैसा फैब्रिक मिलता है वहाँ, कितने रुपये मीटर मिलता है। और तो मैं बस अब स्टार्ट करती हूँ, और आज इस व्लॉग में सिर्फ आपको इसी की डिटेल मिलेगी। तो जिसको देखना है, जानना है कि वहाँ कैसा फैब्रिक मिलता है और किस रेट में मिलता है, तो मेरी जो ये वीडियो है इसको पूरी देखना, स्किप मत करना। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगी ये वाला फैब्रिक। तो गाइज़ ये है, ये देखो पहले फैब्रिक देखो, ये है कॉटन में, कॉटन फैब्रिक है ये, ज़्यादा पतला नहीं है वैसे ये, ठीक है। तो ये प्रिंट है इस पर, पिंक और वाइट कलर है इस जो ये फैब्रिक है। तो ये मैंने फैब्रिक जो है वो मैंने लिया है ये 3 मीटर। तो क्योंकि उनके पास ये कट, मैं तो ले रही थी इसको, थोड़ा ही ले रही थी क्योंकि मुझे काश्मी की जो मेरी बेटी है उसकी ड्रेस बनानी थी, तो मैंने सोचा कि 1 मीटर, 1 या 1.5 मीटर ले लेती हूँ। तो फिर उस पर ये जो पूरा टुकड़ा था वो था 3 मीटर का बचा हुआ था, तो फिर मैंने सारा ही ले लिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपना और अपनी बेटी की सेम मैं ड्रेस रेडी कर लूँगी, तो भाई मैं इसमें अपनी कुर्ती बनाऊँगी और अपनी बेटी का भी मैं सूट रेडी करूँगी इसमें। तो जो ये मुझे फैब्रिक मिला है ये था 80 रुपीज़ पर मीटर, तो ये 80 रुपये मीटर कपड़ा था। तो भाई ये मुझे 3 मीटर कपड़ा मिला, आप लगा सकते हैं कितने में मिला होगा। तो ये मुझे पूरा 200 रुपये में मिल गया है। तो भाई 200 रुपये में 3 मीटर कपड़ा, तो मुझे तो सही लगा। तो भाई वैसे तो ये नॉर्मली कॉटन का जो कपड़ा है 120 रुपये या 150 तक मिलता है, मैं अदर मार्केट में जहाँ गई हूँ तो 80 रुपये मीटर ये कपड़ा वहाँ पे हमें मुझे मिला है। तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, जब मैं इसकी ड्रेस रेडी करूँगी वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैब्रिक की तरफ। तो गाइस ये है नेक्स्ट फैब्रिक, तो ये देखिए इस पे जो प्रिंट है काफ़ी अच्छा है, अब प्रिंट का नाम नहीं पता मुझे, और कलर्स है इसमें काफ़ी, 3-4 कलर है। तो ये भी कॉटन में है, ये सिर्फ हमने ये लिया था, ये शायद 1 मीटर ही लिया था हमने, क्योंकि इसका जो है अर्ज जो विड्थ होती है इसकी वो काफ़ी चौड़ी है, तो आप देख सकते हैं, देखिए तो काफ़ी चौड़ा है ये। तो एक ही उसमें डबल करने पर ही 1 मीटर में ही इसमें कुर्ती रेडी हो जाएगी, ये देखिए। वैसे नॉर्मली जो कपड़े जो सूट का वो होता है, ये अर्ज जो होता है इसका विड्थ जो होती है वो 42 या 44 तक होती है, और इस फैब्रिक की थी 60 थी। तो 60 को डबल करेंगे तो इसका डबल करने पर ही 1 मीटर में भी कुर्ती रेडी हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं पहनते हैं। 1 मीटर में 39 होता है, तो जिसको अगर 39 या थोड़ा नीचे जोड़ लग के भी लंबी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि साइड में भी फैब्रिक काफ़ी बचेगा। तो भाई ये भी कॉटन की है, और ये भी हमें ये मिला था, ये थोड़ा महंगा मिला था, ये 80 नहीं मिला, ये हमें मिला था 100 रुपये मीटर। तो देखिए, तो वैसे वो 120 बोल रहे थे, वैसे कम रेट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत ही करते हैं। अगर 100 बोल रहे हैं तो 80 लगा लेंगे, या 120 बोल रहे हैं तो 100 लगा लेंगे, तो ज़्यादा कम रेट कम करते नहीं है वो वहाँ पे। पर फिर भी हमें अगर 100 रुपये में हमारी कुर्ती रेडी हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई घाटा है। तो भाई ये फैब्रिक ले आए हैं हम, और इसके साथ तो कोई भी बॉटम मैच हो जाएगा, पिंक और ये येलो और लेवेंडर शेड है इसमें, तो ऑरेंज
दो तीन छेड़ है इसमें, तो इसके साथ कोई भी बॉटम मैच हो जाएगा। तो आप भी बताना आपको कैसा लगा ये वाला प्रिंट। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फैब्रिक की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट फैब्रिक है ये, एलिफेंट प्रिंट है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाऊंगी आपको, देखिए। तो ये एलिफेंट प्रिंट है, तो आप लगा ही सकते हैं अंदाज़ा, ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ। और इसके साथ ये था मैचिंग का था इसका जो बॉटम, तो ये वाला इसका बॉटम है देखिए, तो ये इसके साथ मैच इसका जा रहा था पूरा प्रॉपर। तो मैंने ये सिर्फ लिया है, 1 मीटर मैंने ये लिया है और 1 मीटर मैंने ये लिया है, क्योंकि मेरी बेटी की जो है, अगर मैं सूट या नीचे पैंट भी बनाती हूँ तो उसका आराम से बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर तो काफ़ी होता है। और अभी वो सिर्फ 4 साल की है, तो उसके लिए ये फैब्रिक काफ़ी है। इसमें मैं कुछ और भी ड्रेस बनाऊँगी तो वो भी बन जाएगी। तो ये भी कॉटन का प्रिंट है और देखो मल्टी कलर का है, इसमें ज़्यादातर काफ़ी कलर है, तो मुझे ये पसंद आया था। मेन तो मुझे ये पसंद आया था, ये जो एलिफेंट प्रिंट था तो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, इसमें कलरफुल एलिफेंट है। तो अभी इसकी भी मैं ड्रेस रेडी करूँगी, तो अपनी बेटी के जो है मैं सारी ड्रेस मैं खुद स्टिच करूँगी और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये भी मुझे मिला है 100 रुपये मीटर, तो ये 100 रुपये मीटर था फैब्रिक, तो काफ़ी अच्छा था ये भी। और इसकी जो है जो चौड़ाई थी वो इतनी नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ किसी किसी फैब्रिक की थी, तो ये होगा वही 42 के आसपास होगा टोटल, तो इसमें तो शायद ही किसी बड़े का नहीं बनेगा। अगर किसी बड़े को लेना था तो ये 2.5 मीटर की कुर्ती ही लेनी पड़ती, क्योंकि इसमें जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की वो ज़्यादा नहीं थी। तो इसमें बनाऊँगी मैं अपनी बेटी की ड्रेस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब बनेगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फैब्रिक की तरफ। तो ये है मेरा नेक्स्ट फैब्रिक, काशू आ गई है। तो भाई ये नेक्स्ट फैब्रिक है मेरा, ये है रियोन का फैब्रिक है, ये कॉटन में नहीं है, ये रियोन में है। और ये ब्लैक और प्योर वाइट भी नहीं है, ये हल्का हल्का ग्रेइश, लाइट ग्रेइश में बिल्कुल लाइट ऐसा आता है, क्योंकि वाइट शेड भी कई तरीके का होता है और ग्रे वो क्रीम कलर भी लाइट डार्क कई शेड आते हैं, तो ना ये वाइट है ना ये क्रीम है ना, मतलब आप देख लीजिए जैसा आपको दिख रहा है ये ऐसा ही है जैसा वीडियो में शो हो रहा है। तो ये ब्लैक के साथ था कॉम्बिनेशन, तो ये वाला प्रिंट भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी जो है इसकी भी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, जो कि 1 मीटर में या 1.5 मीटर में पूरी जो कुर्ती है पूरी वो रेडी हो जाएगी। इसका भी जो अर्ज है वो था 60 इंच का था, तो ये देखिए आप काफ़ी चौड़ा था, ये देखो ये मैंने डबल करके पकड़ा हुआ है, तो डबल करने पर भी हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी, हेल्दी से हेल्दी लेडी की भी रेडी हो जाएगी इसमें। तो भाई ये वाला फैब्रिक भी लिया है, तो ये कुर्ती के लिए लिया है हमने, तो आप देख सकते हैं। तो ये रियोन में है और ये हमें मिला था 100 रुपये मीटर, तो 100 रुपये में अगर कुर्ती रेडी हो रही है तो भाई इससे अच्छा तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा फैब्रिक, क्योंकि जो कम रेंज की है जैसे कि मान लो 60 रुपये भी मिलता है, कहीं कहीं 80 भी मिलता है, तो जो 60 वाला फैब्रिक है या 80 वाला फैब्रिक है तो उसकी जो विड्थ है वो इतनी नहीं है जितनी इनकी थी, तो 100 रुपये में लेने में तो कुछ नहीं है, जबकि 1 मीटर लेना पड़ेगा। और जो 80 वाला लेंगे हम वो 2.5 मीटर लेंगे, तो बात तो वही पड़ जानी है, तो 80 वाला बल्कि महंगा पड़ेगा। तो मैंने ये जो 100 रुपये मीटर वाली है तो ये 1 मीटर ही काफ़ी है, लेंथ अगर बढ़ानी है तो नीचे लेस वगैरह लग के भी लेंथ बढ़ सकती है इसकी, नहीं तो कपड़े का भी जो है नीचे हम जोड़ लगवा के लेंथ को बढ़वा सकते हैं। तो ये बताना कैसा लगा, अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। गाइस ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो ये है पार्टी वेयर, थोड़ा अभी कॉटन ज़्यादा देख लिया आपने, तो अभी पार्टी वेयर भी देखो। वैसे हम पार्टी वेयर लेने नहीं गए थे क्योंकि मुझे ऐसा अभी कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए फैब्रिक लेने गई थी, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास में कोई फैब्रिक की शॉप नहीं है,
तो मैंने सोचा कि वहाँ से ले आती हूँ। तो अभी आगे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो इसके सूट वगैरह और लहंगे वगैरह मैं खुद स्टिच करूँगी। तो एक पार्टी वेयर भी कपड़ा लेना था, तो जो कि हमें ये पसंद आ गया। तो इसमें कलर थे काफ़ी, येलो, रानी रंग और पर्पल, तो मुझे ये पसंद आया वाइट कलर में। तो भाई मुझे आप भी बताना, इसमें ने जो वर्क है वाइट कलर पे कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर लगा था ये वर्क, पास से देख सकते हैं आप, तो काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये। और ये जो है वो है जॉर्जेट में, और नीचे अभी इसमें पेपर लगा हुआ है, तो ये पेपर हटके ऐसे तो फिर इसकी स्टिच होएगा। ये है मल्टी कलर का, और भाई ये मेरे को काफ़ी पसंद आया था इसका वर्क भी। और बच्चों पे अभी वाइट कलर के साथ मैं इसका जो बनाऊंगी वो अच्छा लगेगा वाइट कलर, क्योंकि ये डार्क कलर तो मुझे ज़्यादा इतने पसंद नहीं है बच्चों पे, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो इसका भी मैं क्या रेडी करूँगी अभी कुछ मैंने ऐसा सोचा नहीं है, पर मुझे ये फैब्रिक फेस्टिवल के हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये ले आई हूँ। और इस पर देखो कितनी सुंदर काम हो रखा है, इस पर थ्रेड के साथ है, और ये पतरी का वर्क होता है ना वो है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके साथ कोई भी बॉटम मैच कर सकते हैं जो भी इसमें कलर है। तो अभी मैं सिर्फ दो कलर का बॉटम वैसे लेके आई हूँ, तो मैं देखती हूँ इसके साथ कौन सा रेडी करेंगे। और एक वाइट कलर भी लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि पूरा वाइट ही बना लूँ नीचे और लेस वगैरह लगा के, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जो ये प्लेन कपड़ा है ये भी हमें रियोन का जो है वो हमें 100 रुपये मीटर मिला था वहाँ पे, और ये वाला भी हमें, ये वाला भी कपड़ा बहुत अच्छा है प्लेन में, तो ये 100 रुपये मीटर मिला था हमें, तो रियोन में है ये दोनों फैब्रिक। और ये जो है ये जॉर्जेट में है, और ये हमें उन्होंने बोला था पहले 250 रुपये मीटर, तो हमने ये लिया है उनसे 200 रुपये मीटर, तो वो पहले 250 बोल रहे थे, तो उन्होंने हमें 200 में भी दे दिया है ये। तो आप अपना रेट बोलोगे तो वो लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने ये जो फैब्रिक है ये सिर्फ 1.5 मीटर ही लिया है, तो इसमें ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो आप देखिए कैसे लगे भाई फैब्रिक, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो भाई मुझे तो मार्केट काफ़ी अच्छी लगी, तो अभी दिखाती हूँ नेक्स्ट फैब्रिक। तो ये है नेक्स्ट फैब्रिक, ये मेरे को ऑफ वाइट में एक बॉटम रेडी करना था, तो इसमें वीविंग है देखना एक, देखो आप इसमें जो है आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो ये प्लेन नहीं है, तो ऐसे इसमें बना हुआ है। तो ये ऑफ वाइट कलर का मुझे एक फैब्रिक चाहिए था, तो वो मुझे वहाँ से मिल गया है, ये कॉटन में ही है, अच्छा सॉफ्ट कॉटन में है, तो इसका मैं बॉटम रेडी करूँगी। और ये भी मुझे वहाँ से 100 रुपये मीटर में मिल गया है, तो ये बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल गया है। वैसे मैंने वहाँ पे कई शॉप से पता किया था, तो वो 200 रुपये, 250 रुपये, सबके मतलब अलग अलग रेट थे, तो मुझे ये वहाँ से 100 रुपये मीटर में मिला, तो मैंने ये 2 मीटर लिया है, तो मेरा प्लाजो या पैंट वगैरह रेडी इसमें हो जाएगा। तो मुझे कपड़ा काफ़ी पसंद आया, और सॉफ्ट भी है, ऐसा हार्ड में नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फैब्रिक की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट फैब्रिक है ये वाला, तो गाइज ये कुर्ती है कॉटन में, तो इसका ये प्रिंट है, भाई मुझे तो ये पसंद आया था घर में डेली यूज़ में डालने के लिए, तो कुछ अलग सा प्रिंट लगा था मुझे, तो मैंने ये कुर्ती ली है। और ये मैंने 1 या 1.25 मीटर ही है, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप देख सकते हैं ये मैंने डबल में पकड़ा हुआ है, तो ये भी काफ़ी चौड़ा था, देखो हेल्दी से हेल्दी लेडी का भी बन जाएगा। तो ये भी मेरी 1.25 मीटर होगी, तो भाई इसमें मेरी कुर्ती रेडी हो जाएगी। और ये वाला फैब्रिक भी शायद 80 ही था, हाँ 80, ये 80 रुपये मीटर ही मुझे वहाँ से मिला था फैब्रिक, तो काफ़ी अच्छा है, कॉटन में है और सॉफ्ट कॉटन में है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो भाई 100 रुपये में अगर कुर्ती रेडी हो जाती है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा फैब्रिक, एक तो ये जो वहाँ पे मार्केट में जो है एक्सपोर्ट का कपड़ा काफ़ी मिलता है, क्योंकि उन्हीं का ही जो है ये अर्ज वगैरह जो इसकी चौड़ाई वगैरह होती है कपड़ों की वो ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट के कपड़ों की, और जो ये ऐसे ही नॉर्मली जो आते हैं कपड़े जयपुर या इधर सूरत वगैरह से,
उनकी चौड़ाई इतनी नहीं होती है, जो एक्सपोर्ट का माल होता है उनकी जो है काफ़ी कपड़ों की चौड़ाई काफ़ी अच्छी होती है, और इसलिए मैंने ये सिर्फ एक मीटर ही लिया है और इसमें मेरी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो अभी दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट फैब्रिक। तो गाइस ये देखिए, ये भी काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है, काफ़ी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स में ये वायरल हो रखा है। तो ये फैब्रिक भी हमें चाहिए था और मार्केट में जाते ही एक दो दुकान देखी थी हमें, फिर ये फैब्रिक मिल गया था वहाँ पे, और ये थोड़ा खादी कॉटन टाइप का ही है, प्योर मतलब कुछ कुछ वैसा ही है, वैसे थोड़ा सा पतला है ये, खादी थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ये है ऑफ वाइट कलर पे है, और इसमें जो ये हार्ट बने हुए हैं ये कढ़ाई हो रखी है, ये देखिए ये प्रिंट नहीं है, ध्यान से देखिए। तो भाई ये हमें काफ़ी पसंद आया, तो भाई ये तो मैंने ले लिया, पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी तो ये हमने लिया है सवा दो मीटर लिया हमने। और ये जो कपड़ा है वो बोल रही थी पहले 220 रुपये मीटर, और फिर हमने और शॉप पे पता किया तो कईयों का रेट था 300, कोई 350 भी बेच रहा था इसको। फिर हम लास्ट टाइम जाते समय उसी दुकान पर गए जिन्होंने हमें 220 रुपये मीटर बोला था, तो फिर हमने ये उसी से ही लिया है और उन्होंने फिर ये हमें 200 रुपये का लगा दिया था। तो ये कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, और भाई ये कुर्ती रेडी होगी तो दिखाएंगे आपको, और इसके साथ रेड कलर का बॉटम पहन सकते हैं डिज़ाइन वगैरह करवा के, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो भाई ये फैब्रिक है एक, और अब है नेक्स्ट फैब्रिक दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट है ये कॉटन में, ये कॉटन का है, तो ये इसका प्रिंट है आप देख सकते हैं, ये ऐसा प्रिंट है इसका, ये कौन सा डार्क ग्रे में ही आता है ये कलर, डार्क ग्रे या स्काई ब्लू मिक्स है और वाइट के साथ है, तो ये प्रिंट है। और ये भी हमें मिला था 80 रुपये मीटर, तो ये 80 रुपये मीटर है, और ये हमें लेना पड़ा था 2.5 मीटर क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा नहीं थी, वही 42 के आसपास इतनी ही थी, तो ये फिर एक उसमें बनता नहीं मीटर में, तो ये 2.5 मीटर हमें कपड़ा लेना पड़ा। तो भाई ये कॉटन का है तो, और सॉफ्ट कॉटन है, ये भी आप सेम भी बनवा सकते हो जैसे कोट सेट बनते हैं आजकल बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट में, और ऐसे ही सेम प्रिंट में आजकल कोट सेट चले हुए हैं, तो वहाँ से 80 रुपये मीटर में कपड़ा मिला है। तो भाई जिसको स्टिचिंग आती है वो तीन मीटर में ये ला के अपना पूरा कोट सेट बना सकता है, जो कि आपका 200 रुपये में ही रेडी हो जाएगा, और मार्केट में तो आपको पता ही है कोट सेट इतने महंगे महंगे मिल रहे हैं, तो भाई जिसको स्टिचिंग आती है उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है काफ़ी। तो भाई ये नेक्स्ट फैब्रिक था मेरा, और अभी चलते हैं दूसरे फैब्रिक की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से मैंने फैब्रिक तो लिया ही लिया, तो भाई काफ़ी अच्छा फैब्रिक मिल रहा था, और जेंट्स की शर्ट वगैरह का भी जो एक्सपोर्ट का कपड़ा होता है वो भी मिल रहा था, और इतना अच्छा था, उनकी क्वालिटी जो थी काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो अभी देखेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाएंगे, अभी तो हम यही वाला जो फैब्रिक है लेके आए हैं, अभी आगे और कपड़ा लेना होगा। अगर पार्टी वेयर कपड़े के लिए हम जाएंगे तो शायद दूसरी मार्केट ट्राई करेंगे, अभी ये मार्केट तो हम देख के आ चुके हैं, तो बाकी मुझे तो भाई रेट वगैरह अच्छे लगे, आप भी बता देना आपको कैसे लगे। तो वहाँ पर थी कुछ लेसिस मिल रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं वहाँ से लेस भी ले कर आई हूँ। तो ये भी आजकल लेस चली हुई है, आपको पता होगा ये जो फ्लावर की जो आजकल लेस चली हुई है वो भी ले आई हूँ, तो अभी जो ड्रेसें रेडी करूँगी किसी ना किसी पे तो मैच हो जाएगी, तो मुझे ये पसंद आई। और ये मुझे मिली थी 20 रुपये मीटर, ये वहाँ से मुझे 20 रुपये मीटर में मिल गई थी, और इसी की ही मैं ब्लैक कलर लेके आई हूँ, ये वाला, ये फ्लावर प्रिंट में काफ़ी चली हुई है ये वाली लेस, काफ़ी सूटों पे देखी होगी आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, कई सूटों में लग के आती है, तो मुझे ये लेस पसंद आई, तो मैंने ये वाइट भी चाहिए था, वाइट उन पे मिला नहीं, तो ये ब्लैक में, और ये मैं लेके आई हूँ ओलिव ग्रीन कलर है, तो ये मुझे 20 रुपये मीटर मिली थी, तो मैं ये 3-3 मीटर लेके आई हूँ वहाँ से। और एक मैं ये लेके आई हूँ, जिगजैग लेस है, ऐसी
जिगजैग बना हुआ है, ये वाइट कलर की है, तो बच्चों की ड्रेसें बनती हैं तो उन पे लगेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं अपनी कुर्ती भी रेडी करूँगी तो उस पर भी लगा लूँगी, वाइट कलर की है। तो ये मुझे वहाँ मिली थी 10 रुपये मीटर में। और एक ये गोल्डन कलर की लेस है, इसमें दोनों तरफ ऐसे जो समोसा लेस होती है ना वो एक तरफ होती है, इसमें दोनों साइड बना हुआ है ऐसे। और ये मुझे मिली थी वहाँ पे 10 रुपये मीटर। तो ये भी मैं 5 मीटर लेके आई थी तो ये 10 रुपये मीटर वहाँ मुझे मिल गई थी, क्योंकि गोल्डन लेस तो किसी ना किसी चीज़ में लगी जाती है। और मैं ये लेके आई थी वहाँ से ये वाली लेस। तो ये है गोटा, जो गोटा पट्टी का जैसे वर्क नहीं चलता सूटों पे, ये इस टाइप की लेस है। तो भाई ये काफ़ी थोड़ी मुड़ी मुड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये है वो लेस, देखिए। तो ये भी सूटों वगैरह पे, लहंगे पे, तो किसी पे भी यूज़ हो जाएगी। वो डिज़ाइन के हिसाब से देखूंगी मैं किस पे ये लग सकती है। तो मुझे ये पसंद आई, जैसे दुपट्टे वगैरह पे भी लग सकती है ये लेस। तो ये भी मुझे वहाँ 10 रुपये मीटर में मिल रही थी, तो भाई मैंने भी ये वहाँ से ले ली। तो ये काफ़ी लिए मैंने, शायद 5 मीटर लिए मैंने वहाँ से। तो लेस वगैरह तो मुझे काफ़ी सस्ते रेट में वहाँ से मिल गई है। और एक ली थी मैंने ये मल्टी कलर की लेस, ये भी समोसा लेस है। तो ऐसे इसमें ये मल्टी कलर के बने हुए हैं, तो ड्रेस में लगेगी। जैसे कि अभी काश्वी की एक मल्टी कलर की ड्रेस भी है, उसमें कई कलर है, तो उसमें भी लगाऊंगी तो काफ़ी सुंदर लगेगी। और तो काम आई जाएगी, कलरफुल जो लेस होती है वो काम आई जाती है। तो ये भी मुझे वहाँ पे 10 रुपये मीटर मिली थी, और तो काफ़ी अच्छे रेट में मुझे वहाँ से ये मिल गई थी। तो ये भी मैंने 5 मीटर ली थी कम से कम। तो भाई काफ़ी अच्छी मेरी वहाँ पे शॉपिंग हुई, तो मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा महंगी है। और जो पार्टी वेयर कपड़े थे वहाँ पे वो मिल रहे थे 200 रुपये या 250 रुपये मीटर मिल रहे थे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है। और अच्छे भी थे और इससे महंगे भी थे। तो भाई अब जैसा वर्क होगा वैसा तो पैसा लेंगे ही लेंगे वो। तो भाई 500 रुपये मीटर भी थे, 600 रुपये मीटर भी थे। तो कपड़ा मतलब जैसा वर्क है वैसा तो वो रेट लेंगे, अगर महंगा पसंद करोगे तो रेट तो वही बताएंगे। और जो कॉटन लेना आपको, प्रिंटेड लेना है, तो वो आपको 80 और 100 रुपये में वहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मार्केट अच्छी है, आप जाके एक बार देख सकते हैं, सही रेट में वहाँ कपड़ा मिलता है और पैसे भी कम कर ही लेते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। तो भाई मुझे तो सही लगी मार्केट, और हमारे घर से पास में भी थी, तो 20-25 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो भाई अब जिसको जाना है वो जा सकता है, मार्केट सही है और कपड़ा भी अच्छा ही मिलता है। और तो अब मैं अभी कभी फिर जाऊंगी दोबारा किसी दूसरी मार्केट में फैब्रिक लेने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी शायद नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो आज का ब्लॉग गाइज इतना ही है। अगर हमारी जो ब्लॉग है पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।